नमस्ते, मैं कल्पना, रसोई संसार चैनल में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है और मकर संक्रांति स्पेशल त्यौहार आने वाला है और गुड़ और मूंगफली का सीजन है। तो गुड़ मूंगफली की हमने बहुत सारी रेसिपीज बताई है, तो आज हम बनाने वाले हैं गुड़ और मूंगफली की चिक्की। ये गुड़ मूंगफली की चिक्की अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी दांतों के नहीं चिपकेगी और बहुत ही कुरकुरी बनेगी। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो गुड़ मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमने ये एक कटोरी गुड़ लिया है और ये एक कटोरी मूंगफली। तो इन मूंगफली को हमें सबसे पहले सेकना है। तो सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें डालेंगे मूंगफली। इन मूंगफली को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, बस इतना सेकना है कि इसका छिलका उतरने लग जाए। तो देखिए मूंगफली हमारी सिक गई है और इसका छिलका उतार के देखेंगे, ये छिलका भी उतरने लग गया है। अब इसे निकालेंगे, हम मूंगफली को प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली को ठंडा करके और इसके छिलके हटा लेने हैं हमें। तो देखिए ये मूंगफली हमने छोल ली है और इनके छिलके भी हटा दिए हैं। और इन मूंगफलियों को दो दो टुकड़ों में कर लेना है ये। और वैसे छोलने से दो दो टुकड़े हो जाते हैं, अगर कोई रह भी जाती है तो हम उसके इस तरीके से दो टुकड़े कर देंगे। दो टुकड़े करने से चिक्की अच्छी बनेगी, उसे बेलने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि इसके बाद हम ये गुड़ डालेंगे, तो ये गुड़ कढ़ाई में लगेगा नहीं पानी डालने से, और गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। तो हमें इसे चम्मच से दबाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेना है अच्छे से। तो गुड़ मेल्ट हो गया है और इसमें झाग से आने लग गए हैं। हमें गुड़ की बनानी है चाशनी, तो इसे थोड़ी देर पकाना है। तो गुड़ की चाशनी हमें चेक करने के लिए हमें एक कटोरी में ठंडा पानी ले लेना है और इसमें थोड़ा सा हम डाल के देखेंगे। इस तरीके से, और इसे ठंडा होने पर हमें चेक करना है। अभी ये खिंच रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी नहीं बनी है, तो इसे थोड़ी देर और पकाना है। गैस को हम फुल फ्लेम पे कर लेंगे और गुड़ की चाशनी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसे कटोरी में डालकर चेक कर लेना है कि चाशनी बनी है कि नहीं। इसका एक तरीका और है, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें अभी बहुत गुड़ में झाग आ रहे हैं, और जब ये गुड़ पक जाएगा, इसकी चाशनी अच्छे से तैयार हो जाएगी, तो इसके झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए गुड़ पकाते पकाते इसके झाग बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और आप फिर से इसे एक बार चेक कर लेंगे। हमें गैस को कम कर लेना है और ये देखिए गुड़ ऐसा हो गया है। आप चेक करेंगे तो थोड़ी सी ड्रॉप लेकर और इस कटोरी में डालेंगे हम। अब ये देखिए ये टूटने लग गया है, आवाज़ भी आ रही है, ये टूटने लग गया है। इसका मतलब हमारी चाशनी अब बन गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे हम और इसे थोड़ा सा चला लेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म है और इसमें हम अब डालेंगे फटाफट मूंगफली, थोड़ा सा हिला लेंगे। एक चम्मच डालेंगे इसमें घी। अब इसे फटाफट से मिला लेना है। हमने इसमें घी थोड़ा सा शाइनिंग के लिए डाला है। अब इसे मिला लेंगे, इसे दबाते हुए अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये हम चकले पे बेलने वाले हैं, इस पे हम घी लगा लेंगे और बेलन के भी लगा लेंगे। अब हमें इसके ऊपर डाल लेना है। ये काम हमें जल्दी से कर लेना है, नहीं तो चिक्की को बेलने में दिक्कत होगी क्योंकि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगी। इसको चम्मच से फैला लेंगे हम, थोड़ा सा घी लगा के और फिर फैला लेंगे।
ये जो चम्मच के लग रहा है उसे भी हटा लेते हैं हम और इसमें मिक्स कर लेंगे। अब बेलन की सहायता से हमें इसे बेल लेना है। हम इसे चारों ओर से एक जैसा कर लेंगे और कहीं अगर मोटा है तो उसे हमें पतला करना है बेलन की सहायता से। तो ये देखिए हमने बेल लिया है और बेलने के तुरंत बाद हमें इसमें चाकू से निशान लगा लेना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है, उसके बाद इसमें कट्स मार्क नहीं लगेंगे। आप मन चाहे इसमें कोई सी भी शेप दे सकते हैं, हम इसमें चौकोर शेप दे रहे हैं और साइड में से थोड़ा सा हटा लेंगे ताकि चौकोर शेप अच्छी सी तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें कट मार्क्स लगाते हुए थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि बीच में मूंगफली होती है तो मूंगफली को भी कट लगाना पड़ता है। तो हमने एक तरफ से कट कर लिया है और दूसरी तरफ भी कट मार्क्स लगा रहे हैं और ये हार्ड होती जा रही है क्योंकि ड्राई भी होती जा रही है। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है चिक्की और इसके कट लगाते ही हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए चिक्की हमने बेल ली है और इसे काट ली है और अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर चिक्की तैयार हुई है हमारी, आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। अभी थोड़ी सी ये गीली है तो हमें इसे फटाफट ही निकाल लेनी है क्योंकि ये हमने इसके निशान लगाए हैं। और ये देखिए बहुत अच्छी चिक्की बनी है हमारी और अभी थोड़ी सी गीली है, इसे ठंडा होने देंगे। तो इसे ठंडा होने के बाद हम इसे तोड़ के भी दिखाएंगे, ये बहुत अच्छी चिक्की बनी है। तो सारी चिक्की हमने निकाल ली है और आप देख सकते हैं कि हमारी ये चिक्की अब सूख गई है, ड्राई हो गई है और ये बहुत अच्छी बनी है। इसे तोड़ के भी दिखा सकती हूँ मैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से टूट रही है, ये बहुत कुरकुरी बनी है। तो देखिए हमारी गुड़ मूंगफली की चिक्की तैयार है और ये बहुत ही अच्छी कुरकुरी बनी है। तो आप भी इस गुड़ मूंगफली की चिक्की को जरूर बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय।